देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। भगवान शिव की पूजा मानव, देव और असुर भी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति निरंतर भगवान शिव की पूजा करता है, साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो उस पर शिव की कृपा सदैव बनी रहती है और उसे जीवन में सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में ग्रहों के दोष होते हैं, वे किसी भी काम में आसानी से सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही खास उपाय बताने जा रहे हैं जिससे शिव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जी हाँ, अगर आप कर्ज से संबंधित परेशानी का लंबे समय से सामना कर रहे हैं तो शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने के साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिव जी से परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन से जुड़ी दिक्कतों से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आपको बता दूं कि मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज की पहली किस्त कभी भी मंगलवार के दिन ना चुकाएं। ऐसा करने से कर्ज जल्दी नहीं उतरता। वहीं बात करते हैं, अगर आप आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए गेहूं पिसवाते समय उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डाल दे तो इस आटे की रोटी खाने से अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। साथ ही रोज सुबह पक्षियों को अनाज डालें। ऐसा करने से बड़ी समस्याएं भी जल्द दूर हो जाएंगी। वहीं शनिवार की रात हनुमान मंदिर के पीपल के पास सरसों का तेल डालकर चौमुखी का दीपक जलाएं। फिर हनुमान जी का ध्यान करते हुए 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।